हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीवन किरण निधि के फैन। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टॉपिक आप देखकर ही समझ गए होंगे, इट्स अ वीडियो अबाउट द साड़ी स्टाइलिंग अगेन। यस फ्रेंड्स, हम सभी के वार्डरोब में कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ना तो काटने का मन करता है और ना उन्हें पहनने का मन करता है। पहनने का मन इसलिए नहीं करता है कि हो सकता है उनका डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो गया हो, या उसका कलर आउट ऑफ फैशन हो गया हो, या वह सेम डिज़ाइन ब्लाउज़ के साथ पहनने का हमारा मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अपनी ओल्ड साड़ी को एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं, एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हम सभी के वार्डरोब में प्लेन सिल्क साड़ियाँ होती हैं, हैवी बनारसी साड़ियाँ होती हैं, हैवी कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं। तो हम इन साड़ियों के साथ कैसे प्ले कर उसे न्यू लुक कैसे दे सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लेन साड़ी है, बनारसी साड़ी है, तो आप एक ब्रॉकेट के ब्लाउज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रॉकेट का ब्लाउज आपकी साड़ी को बिल्कुल ही न्यू लुक दे देगा। और आप ब्लाउज़ सेलेक्ट करते समय, मतलब स्टिच करवाते समय या कपड़ा लेते समय, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास कॉमन कौन सी ऐसी सिल्की साड़ी है, बनारसी साड़ियाँ हैं जो उस ब्लाउज़ के साथ कंट्रास्ट में मैच हो जाएंगी, क्योंकि आजकल कंट्रास्ट के मिक्स एंड मैच का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप ऐसे एक ब्रॉकेट के ब्लाउज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी साड़ी को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी जनरली, क्योंकि फ्रेंड्स साड़ी के साथ ही मिक्स एंड मैच, जो साड़ी के मैच का जो ब्लाउज़ होता है वो हम पहन पहन के बोर हो गए होते हैं, तो आप उस ब्लाउज़ में ही कुछ करवाना चाहते हैं तो आप उसमें स्लीव्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आपकी उसकी स्लीव्स के साथ आप बेल स्लीव्स ऐड करा सकते हैं, या उसकी स्लीव्स में 3/4 करवा सकते हैं कुछ कपड़ा ऐड करके, या उसे फुल स्लीव्स करवा सकते हैं, या तो अपने जो ब्लाउज़ है उसे रफल स्लीव्स करके भी आप उसे एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, या फिर आप एक नया ब्लाउज़ स्टिच करवा लीजिए या करवाना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा कॉमन ब्लाउज़ स्टिच कराइए जिसका अच्छा सा बैक नेक हो और जिसमें अच्छी सी कढ़ाई हो रही हो, ताकि आपकी अपील जो है वो आपके ब्लाउज़ में हो। आपकी साड़ी पर किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अगर आप एक अच्छा सा बैक नेक वाला ब्लाउज़ बनाएंगे तो वह साड़ी को पूरा डिज़ाइनर लुक दे देगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक, या आप कोई पेपलम, आप कोई ब्लाउज़ बनवाना चाह रहे हैं तो आप एक उसका डिज़ाइन ऐसा पेपलम ब्लाउज़ बना लीजिए। पेपलम ब्लाउज़ आपके साड़ी के होल अपील को ट्रांसफॉर्म कर देगा। फ्रेंड्स, ये मैं खुद भी पहनती हूँ और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया है। ये जो येलो साड़ी है मेरी, इसके साथ का एक सिंपल सा ब्लाउज़ है, उसकी आस्तीन भी ज़्यादा छोटी ही है, लेकिन मैंने एक दूसरा पेपलम ब्लाउज़ अपने लहंगे का बनाया, अब मैं उसके साथ इसको पहनती हूँ तो मेरा पूरा लुक जो है वो चेंज रहता है। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि आपका टमी जो है उसे भी थोड़ा सा छुपा देता है। इसके अलावा आप फ्रेंड्स, आपकी साड़ी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी साड़ी के को में लेस अटैच कर सकते हैं, या पॉम पॉम जो आते हैं वो अटैच कर सकते हैं और अपनी साड़ी को नया लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप साड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप ब्लाउज़ में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है बेल्ट, तो आप बेल्ट को इंक्लूड करके अपनी साड़ी के लुक को चेंज कर सकते हैं। अब ये है कि आपको देखना है कि आपकी साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज़ मैच होगा, कौन सा बेल्ट यूज़ होगा, जैसे लेदर है या क्लोथ बेल्ट है, और वो कौन सा बेल्ट आपकी साड़ी के साथ मैच करेगा। तो ये बेल्ट ना केवल आपकी प्लेट्स को अच्छे से कवर करता है, मतलब प्लेट्स को संभाल के रखता है, बल्कि आपकी लुक को भी मॉडर्नाइज कर देगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ब्लाउज़ पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको बेल्ट भी नहीं लेना है, तो आप उसके ड्रैप को भी चेंज करके थोड़ा सा आप अपनी साड़ी में नयापन ला सकते हैं। आप लेकिन यह है कि साड़ी का ड्रैप आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कौन से फंक्शन में जा रहे हैं, आपके लिए कौन सा ड्रैप कंफर्टेबल है। जैसे कि आप साड़ी को लहंगे पैटर्न में पहन सकते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, किसी पूजा में जा रहे हैं, या किसी किटी पार्टी में जा रहे हैं, या दिवाली पार्टी जो होती है उसमें आप धोती पैंट या पैंट स्टाइल का, और मैंने फ्रेंड्स अलग कपड़ों के साथ साड़ी को मिक्स एंड मैच करके एक वीडियो अलग आपको दिया है,
तो आप उसके साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपनी साड़ी को डिफरेंट ड्रैप के करके भी अपनी साड़ी को एक मॉडर्न लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो आप अपनी साड़ी में अप्लाई करके अपने आपके पास वार्डरोब में जो साड़ियां हैं उसके साथ अब आप सोचिए कि कौन सा ट्रिप जो है अप्लाई हो के आप अपनी साड़ियों को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ऐसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।